इतने सारे स्मार्टफोन्स में से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है अंडर ₹25,000 आपके लिए, वो इस वीडियो से आज पता लग जाएगा, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। किसी को अच्छे कैमरास चाहिए, किसी को अच्छी परफॉर्मेंस, किसी को एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन, तो किसी को कर्व डिस्प्ले के साथ अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए होता है। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा था जब ना 25,000 के नीचे की प्राइस में अच्छे फोन्स नहीं लॉन्च होते थे, और मेरी तो बहुत बड़ी कंप्लेन थी ये। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में इतने सारे फोन्स लॉन्च हो चुके हैं कि अब कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि कौन सा ले और कौन सा छोड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको स्पेसिफिकली कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला फोन मैं आपको बताने जा रही हूं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने रखा है जिनको पहली बात तो थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए अंडर ₹25,000, सेकंड जिनको लॉन्ग टर्म तक के लिए फोन यूज लेना है ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल सके, UI भी थोड़ा नीट एंड क्लीन हुआ एंड फोन दिखने में भी थोड़ा सा यूनिक हटके टाइप लगे, तो उस केस में आप जा सकते हो नथिंग फोन 2A की तरफ। 24,000 की प्राइस में ब्रांड ने इस फोन को लॉन्च किया एंड डेफिनेटली मार्केट में जितने भी फोन अवेलेबल है उन सबसे हटके दिखता है ये, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैक यहां पर दिया हुआ है, ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यूनिक सा कैमरा मॉड्यूल है। तो डेफिनेटली अगर आप इस फोन को यूज करोगे तो कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा कि कौन सा स्मार्टफोन है ये। लेकिन हाँ, ये है पॉलीकार्बोनेट बैक साइड में, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, तो वो अच्छी चीज है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन आता है, स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, फोन के अंदर 50+50 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा सेटअप है। कैमरा से कोई भी मुझे कंप्लेन नहीं है, अबव एवरेज टाइप के कैमराज आप इसको समझ सकते हो, लेकिन हाँ बुके में आप वीडियोस नहीं शूट कर पाओगे इस फोन से। इसके अलावा ना मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रो चिपसेट है, पहले काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे चिपसेट ने, लेकिन ब्रांड को एक महीना भी नहीं हुआ है इस फोन को लॉन्च किए हुए एंड 3 से 4 अपडेट पुश कर दिए, तो इससे एक चीज तो ये समझ में आती है कि जो पहले ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी वो अभी काफी ज्यादा स्टेबल हो गई है। दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि ब्रांड ने यहाँ पर अपडेट पुश करने में कोई भी कंजूसी नहीं करता है, तो फ्यूचर में भी जो 3+4 ईयर्स के इन्होंने प्रॉमिस किए, आई होप रेगुलरली आपको अपडेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। एक ही मुझे इस फोन में सबसे बड़ी गड़बड़ लगती है, वो है कि फोन के अंदर आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा, अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी फोन है, डेफिनेटली आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। एनीवेज अभी बढ़ते आगे और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो देखो, ये फोन तो ना मैंने स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए यहां पर इंक्लूड किया जिनकी प्रायोरिटी है अच्छे कैमरास। मतलब जेन्युइनली अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरास वाला फोन चाहिए अंडर ₹25,000, देन दिस इज द ओनली फोन जहां पर आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल रहा है। प्लस आई गेस इस वीडियो में तो मैं जितने भी फोन बता रही हूँ सिर्फ यही एक फोन है जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जिस फोन के बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूँ वो है Realme 12 Pro, जिसका बेस वेरियंट 24,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है। जिस तरह का ये फोन दिखता है, जिस कलर के साथ लॉन्च किया गया है, जो उसकी फील है वो डेफिनेटली प्रीमियम आती है। हाँ, फ्रेमिंग यहां पर प्लास्टिक की दे रखी तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड रेंज फोन, लेकिन अदर देन दैट फोन की फील काफी अच्छी है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, वो भी एमोलेड पैनल है यहां पर, तो वो तो अच्छा है ही है। लेकिन उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी का सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे दिया है यहां पर कंपनी ने, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। मैंने जितने भी इस फोन से फोटोज वीडियोस कैप्चर किए हैं अलग अलग फोन के साथ, मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है और मुझे हर बार इसके कैमरास ने काफी इंप्रेस किया। 2x में आप अच्छे पोर्ट्रेट ले सकते हो लेकिन बुके में वीडियो नहीं बना सकते, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए, बट मतलब कैमराज जेन्युइनली अच्छे हैं तो आप उनको अच्छा ही बोलेंगे। जो कमी थी वो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। चिपसेट देखो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे उम्मीदें नहीं कर सकते कि आप एकदम हाई ग्राफिक गेम बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे, फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, खेल तो सकते हो। दूसरा एक मुझे जो इस फोन में कमी नज़र आती है कहीं ना कहीं, कि आजकल के जितने भी ब्रांड्स फोन लॉन्च कर रहे हैं ना, वो ट्राई कर रहे हैं UI को नीट एंड क्लीन बनाने का। ऐसी बात नहीं है रियलमी ने नहीं ट्राई किया, 11 प्रो से थोड़ा सा बेटर UI बोल सकते हैं इस बार एक्सपीरियंस के मामले में, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर अभी भी आपको देखने को मिलते हैं। बट उसके अलावा बॉक्स के अंदर चार्जर मिल जाता है 67 वॉट का, तो 45 मिनट्स में फोन फुल चार्ज हो जाता है, बहुत अच्छी चीज है। बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें काफी बैलेंस तरीके की है और कैमराज डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए डेफिनेटली फोन को परचेस किया जा सकता है। अच्छा, इन सबसे हटके देखो आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। टेबल पर जो ये 5 फोन देख रहे हो ना आप, ये मैंने खुद ने अपने पैसों से परचेस किए हैं, तो आपको चैनल पर सभी के अनबायस्ड रिव्यूज एंड कंपैरिजन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया तो कर दीजिए, बिकॉज ट्रस्ट मी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ना उनमें से मैक्सिमम लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर एक छोटा सा सपोर्ट आप मुझे दिखाओगे तो ट्रस्ट मी इतने क्या, इससे और ज्यादा फोन परचेस करके आप लोगों के लिए बिल्कुल अनबायस रिव्यूज मैं लेके आऊंगी, तो वो जरूर से कर देना। बट खैर, अभी आते हैं अगले स्मार्टफोन पर, और ये फोन मैंने उन लोगों के लिए यहां पर रखा है जिनको
पहली बात तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू मैटर करती है, दूसरा जिनको स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड नहीं लेकिन एक अच्छे यूआई पर बेस्ड फोन चाहिए जहां पर बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स ना देखने को मिले लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जा सकते हो OnePlus Nord CE 4 की तरफ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये फोन मेरे पास अभी तक आया भी नहीं है, मैंने आज ही ऑर्डर प्लेस किया, कल परसों तक मोस्ट प्रोबेबली डिलीवर हो जाएगा मुझको, तो इस फोन का रिव्यूज कंपैरिजन सब कुछ आएंगे। किसके साथ आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन हाँ, OnePlus Nord CE 3 को क्योंकि मैंने काफी ज्यादा यूज लिया, अलग अलग फोन के साथ कंपेयर किया था और मैक्सिमम जगह ये फोन ना काफी अच्छे खासे मार्जिन से विनर बन के निकल के आया था, तो इसी बेसिस पर ट्रस्ट करके मैं बोल सकती हूँ कि OnePlus Nord CE 4 भी इक्वली गुड या फिर इससे बेटर हो सकता है, बुरा तो डेफिनेटली नहीं होगा। और यहाँ पर मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ आ रहा है, UFS 3.1 स्टोरेज है, जितने फोन 25,000 की प्राइस में लॉन्च हुए ना उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसमें बोली जा सकती है, क्योंकि वही सेम चिपसेट ना मैंने 33,000 के फ़ोन में भी यूज़ लिया हुआ है जो था Vivo V30। फ़ोन का चिपसेट अच्छा था वहाँ पर भी, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो सोचो 33,000 में वहाँ मिल रहा था तो 25,000 में तो यहाँ पर उसको वैल्यू फॉर मनी में बोला ही जाएगा। AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, ठीक है, स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, पिछली बार 5,000 mAh की बैटरी थी, इस बार 5,500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और 2+3 ईयर के OS अपडेट देखने को मिलेंगे। लेकिन UI जो होता है वो OnePlus वालों की एक स्पेशलिटी होती है क्योंकि वहां पर ब्लॉटवेयर्स भी नहीं होते, प्रॉपर कस्टमाइज एक यूजर फ्रेंडली UI भी होता है, तो वो चीज आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी OnePlus का फोन है तो वो तो बात ही है। OnePlus के फोन में देखो एक ही चीज की प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम लोगों को, अगर आती है तो वो है ग्रीन लाइन इश्यूज, लेकिन मेरे को लगता है ब्रांड ने इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ है, क्योंकि अगर आप कस्टमर केयर पर जाओगे तो वो आपका फोन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे। लेकिन हाँ, ये एक बार को यूजर का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं जहां पर इस तरह का इशू आ गया तो, लेकिन अदर देन दैट मेरे को लगता है OnePlus Nord CE 4 काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप डेफिनेटली उस फोन की तरफ जा सकते हो। और अभी नहीं जाना है तो मैं बोलूंगी कि मेरे रिव्यूज तक का इंतजार कर लो, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आई नो आप में से काफी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि इतने सारे फोन बता दिए, एटलीस्ट एक फोन ऐसा तो बता दो जिसमें आप लोग गेमिंग कर सके और जो गेमिंग के लिए ही बना हो। डोंट वरी, ऐसा फोन भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, वो भी अंडर ₹25,000, जिसका नाम है पोको X6 Pro। लॉन्च तो आई गेस ही अबाउट 25,000 की प्राइस में हुआ है, लेकिन ऑफर वगैरह लगा के 25,000 या वो फिर उससे कम की प्राइस में आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया हुआ है, Antutu ही 1 मिलियन प्लस निकल के आता है, 90 FPS तक में बेसिकली आप इस फोन में गेमिंग कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, फोन के थर्मल्स काफी अच्छे से मैनेज किया, मतलब मुझे इस फोन में हीटिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं देखने को मिला है। अभी मेरे को ये येलो कलर पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसका कंपैरिजन किया था लास्ट टाइम तो मैंने बोला था आपको चाहे तो आप ग्रे पर जा सकते हो, वो शायद ज्यादा बेटर लगेगा, तो लोगों ने कमेंट किया कि ग्रे वाला और भी ज्यादा चीप फील होता है। बट हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेमिंग और परफॉर्मेंस पर ही फोकस किया गया है, फोन के अंदर आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, Dolby Vision का सपोर्ट दे रखा है, एंड आपको YouTube छोड़ो Netflix वगैरह में भी HDR का सपोर्ट दिया हुआ है, तो वो चीज काफी अच्छी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो अच्छी लगी है फोन में वो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 14 के साथ आया, 3+4 ईयर के OS अपडेट ब्रांड ने यहाँ पर प्रॉमिस भी किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता 3 से 4 साल पोको के फोन एक्चुअली में चल पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो काफी मदरबोर्ड डेड वगैरह के इश्यूज भी आ रखे थे पोको के फोन में जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन किसी ने अगर 3-4 साल तक पोको का फोन यूज किया ना तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये एक्चुअली में इतना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह की ब्रांड ने अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस की है डेफिनेटली वो अच्छी है और इंप्रेसिव है, उस हिसाब से तो जाया जा सकता है। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार रेडमी नोट 13 प्रो को तो भूल ही गए, वो भी तो एक अच्छा फोन है। हाँ, मेरे पास है, मैंने काफी अलग अलग फोन के साथ इस फोन को रिव्यू किया है, कंपेयर किया है, मतलब ये बुरा फोन नहीं है, लेकिन इससे बेटर फोन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता इस फोन को रिकमेंड करने का। आप ऑलरेडी इस फोन की तरफ इंक्लाइंड हो और आप परचेस कर लोगे तो मैं ये नहीं बोलूंगी आपके पैसे बर्बाद हो गए। मुझे जो कमी लग रही है इस फोन के अंदर बस वो ये कि पोर्ट्रेट में ना इसमें अच्छे फोटोज नहीं कैप्चर होते हैं, दूसरा ये फोन अभी भी एंड्रॉइड 13 पर रन कर रहा है, जबकि इस टेबल पर जितने भी फोन रखे हैं ना सारे एंड्रॉइड 14 पर चल रहे हैं अभी। लेकिन देखो बात ऐसा है ना कि सिर्फ इतने ही फोन ही है 25,000 में, और भी मार्केट में फोन एग्जिस्ट करते हैं, सबके बारे में बात करने लगी तो फिर बेस्ट फोन बताने की बात ही क्या रही थी। ठीक है, जो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहे थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर से करिएगा। Nothing Phone 2 का डिटेल में रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, वो नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो।